नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी लकड़ सुंगवा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बार यह खबर फैल गई कि बिना तीन बच्चों की बलि दिए रूप नारायण नदी का रेलवे पुल बन नहीं पाएगा। दो बच्चे जिंदा खंभों के नीचे दफना दिए गए थे, अब सिर्फ एक रह गया था। एक और का इंतजाम होते ही पुल तैयार हो जाएगा। यह भी अफवाह फैली थी कि रेल कंपनी ने कुछ लोगों को बच्चे पकड़ने के काम में नियुक्त कर रखा था। वे लोग गांव शहरों में घूम रहे थे। वे लोग कब कहां हाजिर हो जाएंगे कोई नहीं जानता था। उनमें से कोई भिखारी के वेश में, कोई साधु सन्यासियों के वेश में, तो कोई डाकू के वेश में लाठी लेकर घूम रहा था। यह अफवाह भी काफी दिनों से फैली हुई थी, इसलिए आसपास के गांव वाले इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई लकड़ सुंगवा आकर बच्चा चुराकर पुल के खंभों के नीचे न दफना दे। किसी के भी मन में चैन नहीं था। हर घर में न जाने कैसा आतंक समाया हुआ था। अखबार की एक खबर ने उन्हें और भी घबरा दिया था। कोलकाता में नौकरी करने वाले लोग आकर बताते थे कि उस दिन बहु बाजार में एक लकड़ सुंगवा पकड़ा गया था। कल कड़ेवा में एक आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया था। वह लड़के को बेहोश करके अपने थैले में डाल रहा था। ऐसी ही कितनी खबरें थी। कोलकाता की अलियों गलियों में संदेहवश कितने निरीहों पर अत्याचार की खबरें लोगों के मुंह से हमारे गांव तक पहुंचती रहती थी। जब ऐसी हालत थी तब हमारे गांव में भी अचानक एक ऐसी घटना घट गई, वही बता रहा हूँ। सड़क के करीब एक बगीचे में मुखर्जी दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, मगर घर गृहस्थी और दुनियावी मामलों में वे अपनी दखल अंदाजी किए रहते थे। अपने भतीजे को भी उन्होंने घर से अलग कर दिया था, पर कुछ भी उसे दिया नहीं था, ना ही कुछ देने का विचार था। वह आकर बीच बीच में घर के बर्तनों में अपने हिस्से का दावा किया करता था। उसकी ताई चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती, कहती, हीरू हमें मारने आया था। हीरू कहता, अब तो यही करना पड़ेगा, एक दिन मार कर ही सारा कुछ वसूल कर लूंगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। उस दिन सुबह सुबह महाभारत शुरू हो गया। हीरू ने आंगन में खड़े होकर कहा, आखिरी बार कह देता हूँ ताऊ, तुम मेरा हिस्सा दोगे कि नहीं बता दो। ताऊ ने कहा, तेरा कोई हिस्सा नहीं है। नहीं है? नहीं है। ठीक है, मैं लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। ताई रसोई में खाना बना रही थी, बाहर निकल कर बोली, जा अपने बाप को बुला ला। हीरू ने कहा, मेरे पिता अब जिंदा रहते तब ना आते। मैं जाकर तुम लोगों के पिताओं को बुला लाऊंगा, शायद उनमें से कोई जिंदा हो, वे लोग आकर मेरा जो हिस्सा बनता है उसका सही तरीके से बंटवारा कर देंगे। इसके बाद कुछ देर तक वे आपस में एक दूसरे के खिलाफ जैसी बातें करते रहे, वे लिखने के लायक नहीं है। जाने से पहले हीरू कहता गया, आज ही इसका फैसला करके छोड़ूंगा, ये कहे जाता हूँ, सावधान रहना। रसोई से ताई बोली, ठीक है, जो करना हो कर लेना, तेरे बारे में सब पता है। हीरू वहां से सीधे रायपुर गया। वहां गरीब मुसलमानों की एक बस्ती थी। मुहर्रम के वक्त वे लोग बड़ी बड़ी लाठियां भांजते हुए ताजिया निकालते थे। उनकी लाठियां तेल से चुपड़ी होती थी और लाठियों के गाठों में पीतल मढ़े हुए रहते। इसी से काफी लोगों का ख्याल था कि उन जैसा लाठी भांजने वाला उस पूरे क्षेत्र में और कोई नहीं था। ऐसा कोई काम नहीं था जो वे नहीं कर सकते थे, बस पुलिस के डर से चुप बैठे रहते थे। हीरू ने जाकर कहा, बड़े मियां, ये अग्रिम 2 रुपए रख लो, तुम्हारे और तुम्हारे भाई का, मेरा काम कर दोगे तो और भी इनाम मिलेगा। 2 रुपए हाथ में लेकर लतीफ मियां ने हंसकर कहा, क्या काम करना है बाबू? हीरू ने कहा, तुम दोनों की जाबाजी को यहाँ कौन नहीं जानता। लाठी के बल पर विश्वास बाबुओं को कितनी जमींदारी हासिल कराई है। तुम लोग चाह लो तो ऐसा क्या काम है जो नहीं कर सकते। बड़े मियां ने आंख दबाकर कहा, धीरे बोलो बाबू, थाने के दरोगा को पता चलेगा तो फिर खैर नहीं। वीरनगर गांव हम 2 भाइयों ने दखल कराया था, इसे वे जानते हैं, मगर हमें पहचान न पाने के कारण ही उस बार पकड़े जाने से बच गए थे। हीरो ने हैरानी से पूछा, कोई नहीं पहचान सका था? लतीफ ने कहा, कैसे पहचानते, सिर पर इतनी बड़ी पगड़ी बंधी थी, गालों में गलपट्टे, माथे पर इतना बड़ा सिंदूर का टीका,
अपने हाथों में 6 हाथ की लाठी लेकर जब हम पहुंचे तो लोगों को लगा हिंदुओं की यमपुरी से यमदूत चले आए हैं, और वे हमें पहचानते भी कैसे? उस वक्त तो खुद उन्हें अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी, जिसे जहां भागने की राह मिली उधर भागा। हीरो ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बड़े मियां, एक बार और तुम्हें ये काम करना होगा। हमारे ताऊ ना चाहते हुए भी हमारा हिस्सा देने के लिए राजी हैं, मगर ताई ऐसी दुष्टा है कि वह एक लोटा तक देने से मना करती है। बस तुम वैसी ही पगड़ी पहनकर, गलपट्टा और सिंदूर पोतकर, लाठी हाथ में लेकर उनके ओसारे में जाकर खड़े हो जाना। अपनी डकैती वाली हुंकार से एक बार गरजना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक शाम ढलने से पहले। बस लतीफ मियां राजी हो गए। लतीफ महमूद दोनों भाइयों ने साज पोशाक पहनकर उसी दिन ताऊ के यहाँ धमकी देने के लिए जाना तय कर लिया। हीरो उनके पीछे पीछे रहने वाला था। एकादशी के दिन भर के उपवास के बाद जगदम्बा ने आंगन में अपने पति के लिए आसन बिछा दिया था। मुखर्जी बाबू नाश्ता करने बैठे हुए थे, थोड़े फल थे और दूध था। वात रोगी होने के कारण एकादशी में अन्न उन्हें पचता नहीं था। कच्चे नारियल का पानी पीने के लिए पत्थर से कटोरे को उन्होंने मुंह से लगाया ही था कि ठीक उसी वक्त लतीफ और महमूद दोनों भाई दरवाजा ठेलकर भीतर घुस आए। काफी बड़ी पगड़ी, वैसी ही बड़ी बड़ी गलमुच्छे, हाथ में 6 हाथ लंबी लाठी और माथे पर सिंदूर का लेप। मुखर्जी बाबू के हाथ से पत्थर का कटोरा धम्म से गिर पड़ा। जगदम्बा जोर से चीखी, अरे मोहल्ले वालों, तुम लोग कहाँ हो? देखो हमारे यहाँ लकड़ सुंगवा घुस आए हैं। सामने वाले छोटे मैदान में मोहल्ले के बच्चे जमीन पर खाने बनाकर रोज कुछ न कुछ खेलते रहते थे। आज भी खेल रहे थे। वे भी आवाज पाकर चिल्लाते हुए जिधर छुपने की जगह मिली उधर दौड़े। लकड़ सुंगवा आया है, सब बच्चों को पकड़ लिए जाता है। हीरो उनका मकान दिखलाने के लिए साथ ही आया था। वह दरवाजे की आड़ में छिपा था। उसने दबे स्वर में कहा, मियां वक्त नहीं है, भागो, मोहल्ले वाले पकड़ लेंगे तो खैर नहीं। यह कहकर वह भी वहां से भाग खड़ा हुआ। लतीफ मियां ने भले ही शहर की और कोई खबर न सुनी हो, मगर वह लकड़ सुंगवा के बारे में अफवाह तो सुन ही चुका था। अगले ही क्षण उसकी समझ में यह बात आ गई कि उसका ऐसा चेहरा और ऐसा वेश अगर गांव वाले देख लेंगे तो फिर शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। लिहाजा वह भी वहां से भागा। मगर भागने से क्या होता, रास्ते अनजान थे, रोशनी भी कम हो गई थी, चारों तरफ से सिर्फ लोगों का शोर गोल सुनाई पड़ रहा था, पकड़ लो जाने न पाए, देखना बचकर ना निकल जाए। छोटा भाई महमूद कहां खिसक गया पता नहीं चला, मगर बड़े भाई लतीफ को लोगों ने घेर लिया। वह जान बचाने के लिए कांटेदार झाड़ियां फड़लांग कर एक तालाब में कूद गया। लोग चारों ओर से घेर कर उसमें ढेला फेंकने लगे। वह जैसे ही सिर उठाता, कोई ढेला आकर सिर में लगता, वह फिर अपना सिर पानी में छिपा लेता। फिर वह अभागा सिर उठाता, तब फिर से उसके सिर पर ढेला लगता। लतीफ मियां तालाब का पानी पीकर और ढेले खाकर अधमरा हो गया। वह जितना हाथ जोड़कर कहना चाहता कि वह लकड़ सुंगवा नहीं है, वह किसी बच्चे को पकड़ने नहीं आया है, उतना ही लोगों का संदेह और गुस्सा बढ़ता जाता। लोगों ने पूछा, तो फिर ऐसी पगड़ी और गलपट्टा किस लिए है? उसने चेहरे पर इस तरह सिंदूर क्यों पोत रखा है? अब तक लतीफ मियां की पगड़ी खुल चुकी थी, एक तरफ का गलपट्टा भी, माथे का सिंदूर धुलकर गालों पर फैल चुका था। मार खाते हुए वह उन लोगों को क्या बताता, और बताता भी तो सुनता कौन? इस बीच कई उन्मादी लोगों ने पानी में उतरकर लतीफ को खींचकर बाहर निकाला। वह रोते हुए यही कह रहा था कि वह और उसका भाई दोनों लकड़ सुंगवा नहीं हैं। ऐसे समय मैं संयोग से उस तरफ जा रहा था। हंगामा सुनकर मैं भी तालाब के पास पहुंचा। मुझे देखकर भड़के हुए लोग और भड़क गए। सभी ने एक स्वर में कहा, देखिए हमने एक लकड़ सुंगवा पकड़ा है। उस आदमी की हालत देखकर मेरी आंखें भर आई। वह आदमी कुछ कहने की हालत में नहीं था। गलपट्टा, पगड़ी, सिंदूर और खून से लाल हो गई थी। वह सिर्फ हाथ जोड़ रहा था और रो रहा था। मैंने पूछा, इसने किसका लड़का चुराया है, किसने शिकायत की है? उन्होंने कहा, वे नहीं जानते। वह बच्चा कहाँ है, यह भी नहीं पता। तो फिर इस तरह इसे क्यों मार रहे हो?
उनमें से किसी बुद्धिमान ने कहा, लगता है इसने उस लड़के को कीचड़ में दबा दिया होगा, रात में निकाल कर ले जाएगा और फिर बलि देकर पुल के नीचे दफन कर देगा। मैंने कहा, मरे हुए व्यक्ति की बलि कैसे दी जा सकती है? वे बोले, वह मरा नहीं है, जिंदा है। कीचड़ में गाड़ देने से क्या कोई बच्चा जिंदा रहेगा? मेरी बात उन लोगों में से कईयों को सोचने लायक लगी। इतनी देर तक उत्तेजनावश इन सब पर उन लोगों को सोचने का समय ही नहीं मिला था। मैंने कहा, उसे छोड़ दो। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मियां क्या बात है, सच सच बता दो। मुझसे अभय पाकर उस व्यक्ति ने रोते रोते सारी बात बता दी। मुखर्जी दंपति से किसी को कोई सहानुभूति नहीं थी। यह सुनकर काफी लोगों को उस पर दया भी आई। मैंने कहा, लतीफ तुम घर जाओ, अब कभी ऐसा काम मत करना। उसने नाक कान मलकर खुदा की कसम खाते हुए कहा, बाबूजी अब ऐसे काम कभी भी नहीं करूंगा, मगर मेरा भाई कहाँ गया? मैंने कहा, उसके बारे में घर जाकर सोचना लतीफ, इस वक्त तुम्हारी जान बच गई, तुम यही खैर मनाओ। लतीफ लगड़ाते हुए किसी तरह अपने घर चला गया। उसी दिन काफी रात गए, अचानक घोषाल पाड़ा में शोरगुल होने लगा। घोषाल बाबू की नौकरानी गोहाल में गाय को चारा देने गई थी। भूसे की टोकरी खींचते वक्त वह बहुत भारी लगी। अचानक उसमें से एक भयानक शक्ल वाला आदमी निकलकर उस नौकरानी के पैरों में गिर पड़ा। नौकरानी चिल्लाने लगी, अरे कोई मुझे बचाओ, भूत मुझे खा जाएगा। मगर भूत ने उसका मुंह दबाकर कहा, माँ मेरी जान बचाओ, मैं भूत नहीं आदमी हूँ। नौकरानी की चीख पुकार सुनकर उस घर के मालिक लालटेन तथा कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गए। शाम की घटना गांव के सभी लोगों को मालूम हो चुकी थी, इसलिए बड़े भाई की तरह छोटे भाई की दुर्गति होने से बच गई। सभी समझ गए कि यह लतीफ का भाई महमूद है, कोई भूत नहीं है। घोषाल बाबू ने उसे छोड़ दिया, सिर्फ वे उसकी पक्की लाठी लेकर बोले, छोटे मियां जिंदगी भर तुम्हें आज की बात याद रहे, इसलिए इसे मैं ले रहा हूँ। अपने चेहरे का यह सब फालतू रंग धो पहुंचकर चुपचाप अपने घर चले जाओ। हताश महमूद ने न जाने कितनी बार झुककर सलाम किया और फिर चुपचाप वहां से खिसक गया। यह कोई बनाई हुई बात मैंने नहीं लिखी, हमारे यहाँ सचमुच ऐसी ही एक घटना घटी थी।